बोर हो रहा है। वो तो मुझे भी बोर हो रहा है। क्यों दीदी? अरे याद नहीं, आज मेरी फेवरेट चाचू का बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी भी है। मुझे बहुत याद आ रही है उन लोगों की। क्या तुम्हें भी आ रही है? मुझे तो इंडिया जाने का मन कर रहा है। हम यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से यूए में अटक के बैठ गए और वो लोग वहाँ इंडिया में। कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा हमें। अरे अगर वो लोग यहाँ पे नहीं है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर ले। लेकिन हाँ आइडिया ठीक है, मैं समझ गई हूँ। क्या आप लोग भी जाना चाहते हैं? तो इसलिए मेरे वीडियो को अभी आगे देखिए। लेट्स स्टार्ट। तो चलो मेरे साथ रूही और आप भी चलिए। तो चलो आज मैं और मेरी सिस्टर आप लोगों को बताएंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं सेलिब्रेशन डे। और वैसे भी सेलिब्रेशन तो बिना बर्थडे केक के तो होता ही नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक। ये पाउडर शुगर। तो फिर अब मैं इसे एक बाउल के अंदर ऐड करने वाली हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप ऑयल, इसको भी मैं इसमें ऐड करूँगी। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। चलो मिक्स करते हैं। हाँ हाँ तुम भी मेरी मदद करो। वाह कितना अच्छा है ना ये। वैसे मुझे तो लगता है कि जब ये चाचू देखेंगे ना हमारा वीडियो, उन्हें तो ये बहुत पसंद आएगा और वो लोग भी यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है नॉर्मल रूम टेम्परेचर का 1 कप मिल्क। अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको हमें तब तक मिक्स करना है जब तक शुगर अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो जाता। शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो गया। अभी मैं इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वैनिला एसेंस ऐड करने वाली हूँ। ओके अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा और इसे छन्नी से छान के डाल। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1/3 कप कोको पाउडर। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इसको कट एंड फोल्ड करने वाले हैं। तो ये ऑलमोस्ट अभी बनने वाला है, इसे और हम हिलाएंगे। तो यहाँ पे केक टिन के बदले मैंने यहाँ पे लिया है कुकर का डब्बा और मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया ऑयल से और इसके अंदर मैंने डाल दिया है बटर पेपर। अब हम इसमें डालेंगे केक बैटर। तो अब इसके बबल्स को निकालने के लिए हम इसको ऐसे करके टैप करेंगे तो उसी का सारा बैटर निकलेगा। ठीक है अब हम इसे डालेंगे प्री हीटेड वो कढ़ाई में, मैंने वहाँ पे प्री हीट करके रखा है उसे। तो चलिए अब उसमें डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को प्री हीट करके रखा है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाला है सॉल्ट और यहाँ पे मैंने रखा है रिंग जो फिर इसके ऊपर हम लोग केक रखेंगे। यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम को रखा है मीडियम फ्लेम पे और अब हम केक को 30 मिनट तक
बेक होने देंगे। तो अब हो गए 30 मिनट्स, अब हम इसको चेक करते हैं। यस, ये अच्छे से बन गया है। सो केक इज रेडी, यहाँ पे हमारा केक रेडी हो गया है और अब हम इसके एजेस काटेंगे। हम इस केक को इस प्लेट में शिफ्ट करने वाले हैं। अब हम इसको सीधा कर देंगे। वाओ, तो ये हमारा केक रेडी है। तो अभी हमारा केक रेडी हो गया, अब बारी है आइसिंग की। यहाँ पे मैंने बनाया है मेरा खुद का DIY टर्निंग टेबल। तो प्लेट एक्चुअल में ऐसा है, इसको उल्टा करके मैंने रखा है और ये वाला यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, व्हिपिंग क्रीम को यहाँ नीचे अप्लाई करेंगे एंड ताकि वो चिपक के रहे। अब हम इसमें डालेंगे शुगर सिरप, व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। अब डाल के की मनाएंगे। यहाँ पे और अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो यहाँ पे आप मेरा प्रोफाइल पिक्चर देख सकते हैं, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। एंड दीज आर माय लेटेस्ट वीडियोस, सो प्लीज